हां, दीपिका कक्कड़ इब्राहिम सोशल मीडिया पर जमकर भड़की है। असल में दीपिका कक्कड़ इब्राहिम के ससुर कुछ ही दिनों पहले अस्पताल से वापस घर लौटे हैं। जब दीपिका के फादर इन लॉ घर लौटे तो दीपिका और शोएब ने उन्हें अपना कमरा दे दिया और शोएब का गेस्ट रूम में शिफ्ट हो गए। ये देखकर ट्रोलर्स कहने लगे कि दीपिका की प्राइवेसी छीन ली, तो किसी ने कहा कि ये परिवार बहुत ओल्ड स्कूल है। वहीं कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा कि दीपिका को नौकरानी बनाकर रख दिया है। इन सब के बाद दीपिका ट्रोलर्स को जबरदस्त लताड़ लगाती नजर आई। दीपिका कक्कड़ इब्राहिम ने कहा, मेरे सास ससुर मुझे बेटी की तरह मानते हैं और मैं भी उन्हें माता पिता की तरह प्यार करती हूं। अगर आपके पापा जिंदगी और मौत के बीच की जंग लड़कर अस्पताल से वापस आएंगे तो आप उन्हें अपना कमरा दे देंगे, क्या इसमें आपकी प्राइवेसी चली जाएगी? दीपिका ने कहा कि अगर आप लोग ये सब मेरी परवाह के लिए कर रहे हैं तो यहाँ से चले जाइए, मुझे ऐसी परवाह नहीं चाहिए। इतना ही नहीं, दीपिका कक्कड़ इब्राहिम ने ये भी कह डाला कि मुझे आप सब लोगों पर तरस आता है, मुझे आप सब लोगों के माता पिता को लेकर चिंता होती है। ऐसी दुख की घड़ी में भी आप ऐसी बातों का मुद्दा बना रहे हैं। एक्ट्रेस ने अपनी बात को पूरा करते हुए कहा कि अगर मुझे मेरे परिवार के लिए गाड़ी में या सड़क पर भी सोना पड़े तो मैं सो जाऊंगी, और ये बात मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं इसे मीन भी करती हूँ। जी हाँ, ये सब कहकर दीपिका ने बता दिया कि वो अपने परिवार से कितना प्यार करती हैं। दीपिका ने ये भी साबित कर दिया कि उनके सास ससुर उनके लिए उनके माता पिता ही हैं। फाइनल कट, न्यूज डेस्क।